हवाले से मुल्तान की क्या सूरत हाल है, पंजाब में कैसी गहमागहमी देखी जा रही है, ये जानेंगे। NA 157 से नईम राना हमारे साथ मौजूद है। नईम राना आजाद कीजिएगा, कैसी गहमागहमी देख रहे हैं वहां पर? अजी बिल्कुल, मुल्तान के हल्का NA 157 में वोटिंग जो है सुबह 8 बजे शुरू हुई है। अभी तक पोलिंग स्टेशन के ऊपर बदमजगी पैदा हुई है, जहां PTI के जो ओन अब्बास बप्पी, उनके भाई हैं यहां जमशेद बप्पी, उन्होंने जो है यूसुफजा गिलानी के छोटे बेटे जो हैं अली हैदर गिलानी, उनके साथ बदमजगी की है, उनके गार्डों को मारा पीटा है, उन्हें भी जख्मी किया है, जहां पुलिस ने आकर, इंतजामिया ने आकर पोलिंग जो है रुकवा दी है। ये कि जहां ऐसा माहौल बन चुका हो कि जनरल इलेक्शन का गुमा हो, तो ऐसे में जो गहमागहमी है या तमाम सूरत हाल उसको कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी के मामला को कैसा रखा गया इंतजामिया की तरफ से? जी बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं सिक्योरिटी के लिए। इस हलका में तकरीबन 5,000 पुलिस अहलकार तैनात किए गए हैं, जिनमें रेंजर के अहलकार भी किसी भी नाखुशगवार वाकया से निपटने के लिए तैनात किए गए हैं। और बेहतरीन वैसे इंतजाम बहुत आला तरीन किए हुए हैं और सही पोलिंग जा रही है। सिर्फ एक ही जो है पोलिंग पे बदमजगी पैदा हुई है, बाकी ठीक चल रही है पोलिंग। जी तो किसका पलड़ा इस वक्त भारी होता हुआ देख रहे हैं? यहाँ पलड़ा जो भारी है, असल में ये दोनों ही खानदान जो है मखदूम खानदान है। सैयद यूसुफ गिलानी जो है वो भी मखदूम खानदान, उनका बेटा अली मूसा गिलानी, और जो शाह महमूद कुरैशी साहब PTI के वाइस चेयरमैन है, उनकी जो साहबजादी है मेहरबानो कुरैशी, वो भी सैयद खानदान है। इस वजह से भी उनका जाति वोट बैंक बहुत ज्यादा है। और जो पलड़ा है यहाँ आज 12-1 बजे तक जो पोजिशन थी, अली मूसा गिलानी कुछ ज्यादा पोजिशन में जा रहे थे, बेहतर पोजीशन थी उनकी। जी ये भी बताएगा कि इस जो हलका है इसके मसाइल क्या हैं और किस किस ने क्या वादे किए हैं? वैसे तो सियासी जमातों की तरफ से जो भी वादे किए जाते हैं, कभी ऐसा हुआ नहीं कि इन्होंने पूरे किए हों। आप ये देखें, कादरपुर रां से हमारे जो हलका NA 157 है, कादरपुर रां से मुल्तान को मिलाने वाली जो मेन सड़क है, वो अरसा 3 साल से टूटी हुई है। ऐसी सूरत है वहां छोटी मोटी सवारी के साथ भी बंदा सफर नहीं कर सकता, मोटरसाइकिल पे सफर नहीं कर सकता, ये पोजीशन है। और दूसरी यहाँ से जो सेवरेज के मसाइल है कादरपुर रां के, अरसा दराज से ऐसे ही हैं, कभी इनको ठीक करने वाली पोजीशन सामने नहीं आई। कोई भी उम्मीदवार यहाँ से जीता है तो बस वादे ही करता है और कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आती कि वोटर का जो है काम करें, ये उनके लिए कोई बेहतरी पैदा करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम राना, अपने तफसीलात से आगाह किया।